हेलो एवरीवन। तो यार एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, है ना, एमबीबीएस बीडीएस और बीएमएस की, तो सिंपली जो आपकी एमबीबीएस की कट ऑफ है उसमें 2 times कर दो, है ना, और जो इधर की कट ऑफ उसको 3 times कर दो। मैं सिर्फ ऑल इंडिया कोटे वाली कट ऑफ के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ हो एमबीबीएस की, उसकी 2 times करोगे तो बीडीएस निकल आएगी, 3 times करोगे तो आपका बीएमएस निकल आएगा अप्रोक्स में। हाँ, मॉपअप राउंड में थोड़ा बहुत एक्सटेंड करता है। एग्जाम्पल के टर्म्स में अगर हम बात करें, जैसे लास्ट ईयर में एमबीबीएस की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी ऑलमोस्ट 21,000 की अप्रोक्स थी, है ना, और अगर आप बीडीएस का देखोगे तो नॉर्मल राउंड्स का, मैं राउंड 5th, 6th, 7th नहीं ले रहा हूँ, उसमें आपका 41,000-42,000 रैंक तक गया था। हाँ, कुछ सीट्स रह गई थी तो काफ़ी एक्सटेंड कर गया था, वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव है। उसके बाद में अगर हम बीएमएस की बात करें तो बीएमएस आपका लगभग 60,000-65,000 तक तो नॉर्मल मिल गया था। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंडेबल रहा था, तो मतलब उसके बाद भी जो भी थोड़ी बहुत सीट रह जाती हैं तो वो एक एक्सटेंडेड कैटेगरी में चली जाती हैं। अगर आपने और बीएचएमएस ले रखा है, है ना, तो आप अपना 1,00,000 रैंक तक आप अपने आप को पॉजिटिव लेके चल सकते हो। बीएचएमएस का तो ऐसा है, आपको स्टेट में और ज़्यादा मिल जाता है, ऑलमोस्ट ये 1 से 1.5 लाख रैंक पे आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटे की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीडीएस में जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया के थ्रू, बीडीएस में तो आपको ऑल इंडिया में अपीयर ही करना पड़ेगा अगर आपकी रैंक कम है। अगर आपकी रैंक कम है तो आपको बीडीएस के लिए ऑल इंडिया कोटे के थ्रू अपीयर करना पड़ेगा। तो जो भी लोग बीडीएस की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं वो लोग ऑल इंडिया कोटे वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। मैं एक बार वो पीडीएफ दिखा देता हूं कि पीडीएफ कैसी है, क्या कट ऑफ है, किस तरह से दिखेगा हमको, है ना। तो जैसे आप इस पीडीएफ में, मैंने क्या किया कि राउंड 6th और जो 7th हुए थे, जो वैकेंट सीट और थी, तो वो वाला मैंने डेटा हटा दिया है। और भी जो मतलब एक कैटेगरी रहती है मुस्लिम माइनॉरिटी की, जामिया के अंदर डेंटल का है, तो जो भी इंटरनल कोटा थे वो मैंने सारे हटा दिए हैं। आप ऑल इंडिया कोटा 4th round में देखना चाह रहे हो, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, है ना, इसकी अगर आप कट ऑफ देखोगे 39,573, तो अभी मैंने आपको बताया था लगभग 41,000-42,000 तक गया था, इसके बाद भी गया हुआ था लगभग 55,000 तक भी मिला था, लेकिन कुछ वैकेंट सीट पे, सब पे नहीं मिल रहा था, मतलब इतनी जो रैंक के अंदर आ रहा था वो एकदम सेफ था। ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो जनरल के केस में ही वैलिड है, है ना। और उसके बाद में आप किसी और का भी देखना चाह रहे हो, आप जैसे और कॉलेज का किसी का भी देख लो, है ना, तो यहाँ पर जैसे आप इसका देखो, देखना चाह रहे हो आप, एक ये कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है जो इंदौर में है, इसकी भी 34,556 के आसपास है। तो रिमेनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं आपको बीडीएस मिल रहा है लगभग 40-45,000 रैंक तक। आप लोग अगर बीडीएस लेना चाह रहे हैं तो आप देख लो अपनी रैंक के हिसाब से, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देंगे। और अभी ये कैटेगरी वाइज भी पूरा डेटा है, EWS का अलग है, OBC का अलग है, जनरल का अलग है, जैसे SC का अलग है, ST का अलग है। तो मैंने सारा डेटा ना जैसे MBBS वाली फाइल दी थी वैसे ही मैंने दे रखा है इसको भी। तो वीडियो आज की यहीं तक, MBBS और BDS की कट ऑफ को लेकर मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, BMS वाली मैंने पहले बना दी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको और भी किसी स्टेट का PDF चाहिए, किसी स्टेट की कट ऑफ का एनालिसिस कराना चाहते हो, अपना स्टेट कमेंट करके बताओ, और फ्री गाइडेंस फॉर्म रखा काउंसलिंग अलर्ट के लिए, उसको फिल कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।